और चलिए फिलहाल एक बड़ी खबर। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने लिखा पत्र। हाल ही में वायरल हुए फोटो को लेकर उदयपुर एसपी को पत्र लिखा है। कन्हैयालाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी रियाज अतारी के साथ फोटो वायरल हुआ था और इस पत्र में नेता प्रतिपक्ष ने संबंधित फोटो की सत्यता की जांच करने की बात की है। उन्होंने कहा कि फोटो को एडिट कर वायरल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और ये मांग उन्होंने अपने इस पत्र में रखी है। एक पत्र बाकायदा एसपी को लिखा गया है गुलाब चंद कटारिया की ओर से। विगत दिनों एक फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। इस फोटोग्राफ में कन्हैयालाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी रियाज अतारी को गुलाब चंद कटारिया के साथ में देखा जा सकता था। उन्होंने कहा कि ये फर्जी फोटोग्राफ है, इसे इस तरह से एडिट किया गया है। छवि को धूमिल करने की न सिर्फ उनकी बल्कि भारतीय जनता पार्टी की भी कोशिश की जा रही है। उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा था कि अगर उनका सगा भाई भी इस प्रकार का कृत्य करता है तो उसे भी पकड़कर सजा दी जानी चाहिए। लेकिन अब उन्होंने इस पर एक एक्शन लिया है। उदयपुर एसपी को पत्र लिखा है और पत्र लिखकर इस फोटोग्राफ की जांच करने की बात की। उन्होंने कहा कि इस फोटोग्राफ की जांच आप कीजिए। पूरी जानकारी के साथ में सहयोगी रवि इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रवि, देखिए लगातार जो फोटोग्राफ वायरल हो रहा था गुलाब चंद कटारिया के साथ में आरोपी कन्हैयालाल के हत्याकांड का, उस पर अब उन्होंने एक एक्शन लिया है, एसपी को पत्र लिखा है। क्या तमाम बातें इस पत्र में लिखी गई है रवि? बिल्कुल, देखिए जयती, दरअसल अभी दो दिन पहले एक फोटो वायरल हुआ था जिसमें कन्हैयालाल हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी है मोहम्मद रियाज अतारी जी, उसके साथ एक फोटो जो है नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का था और वो वायरल हो रहा था। इस बात को लेके नेता प्रतिपक्ष ने एक लेटर लिखा है जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर को जी, जिसमें उन्होंने साफ किया है कि ये जो फोटो जो वायरल हो रहा है या तो ये मॉर्फेड है या फिर एडिटेड है और इस फोटो में जो दिखाया गया है उसकी सत्यता पर सवाल है। तो और साथ ही कटारिया ने इस बात का भी जिक्र किया है कि वो एक प्रतिष्ठित और लोकप्रिय जनप्रतिनिधि हैं, कई लोग उनसे मिलने आते हैं और ऐसे में संभव है कि किसी और के साथ के फोटो को इस तरीके से एडिट कर दिया गया हो। तो ऐसे में उन्होंने पुलिस अधीक्षक से ये आग्रह किया है कि पुलिस अधीक्षक इस पूरे घटनाक्रम की जांच कराएं, असली फोटो अगर कहीं है तो उसकी जांच करें और उसके बाद अगर ये फोटो एडिटेड पाया जाता है तो इस फोटो को वायरल करने वालों के खिलाफ, प्रचारित करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और एक कड़ी कार्रवाई की जाए। तो ये एक जो लेटर है फिलहाल वो नेता प्रतिपक्ष ने लिखा है उदयपुर के जो पुलिस अधीक्षक है उनको और आग्रह किया है कि इस पूरे मामले में उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया गया है और इस तरह के फोटो वायरल करके एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई जा रही है। ऐसे में पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता के साथ जांच करे। बिल्कुल रवि, और ये महत्वपूर्ण भी एक संजीदा विषय है, किसी जनप्रतिनिधि के साथ में इस तरह के सामाजिक कंटकों की फोटोग्राफ्स को अगर वायरल किया जाता है तो उस पर कार्रवाई बनती भी है। क्या अब तक एसपी ने इसे संज्ञान में ले लिया है? पत्र कितनी देर पहले भेजा गया है? अब तक क्या इस पर पुलिस की ओर से रिस्पॉन्स? बिल्कुल, देखिए ये जैसी आज ही जो ये लेटर है ये दरअसल नेता प्रतिपक्ष ने लिखा है और अब जो है पुलिस के संज्ञान में आने के बाद में इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, तहकीकात की जाएगी कि इस पूरे ये जो वायरल फोटोज है में कितनी सच्चाई है, इसकी कितनी सत्यता है और अगर किसी व्यक्ति ने इसको इस तरीके से अगर प्रसारित किया है और जो गलत है तो संभव है उसके खिलाफ में कार्रवाई भी हो। बिल्कुल रवि, देखिए अगर ये सिद्ध होता है कि छेड़छाड़ की गई है या फिर ये फोटो एडिटेड है तो उसके बाद में ये भी तो कार्रवाई की श्रेणी में आ जाएगा। ये भी एक तरीके से सोशल मीडिया पर जो भ्रामक सूचनाएं फैलाई जाती है उसी की श्रेणी के अंतर्गत की एक और एक स्टेप आगे ही मैं कहूंगी, भले उससे ज्यादा एक ये गंभीर विषय। बिल्कुल, देखिए इस बात में कोई शक नहीं और यही वजह है कि जो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया है उन्होंने पुलिस अधीक्षक से इस बात का भी आग्रह किया है कि इस फोटो को लेकर जो है साइबर एक्सपर्ट और कोई और जो टेक्निकल एक्सपर्ट हो उन विशेषज्ञों से इस फोटो की जांच कराई जाए और उस जांच के बाद में इस बात को लेकर स्थिति स्पष्ट की जाए कि ये सही है अथवा उनकी प्रतिष्ठा को गिराने का प्रयास है और अगर किसी ने ये गलती की है तो उसके खिलाफ में FIR दर्ज की जाए और उसके उसमें जो भी संबंधित कार्रवाइयां हैं वो की जाए। बिल्कुल, और रवि देखिए खुद एक बयान भी उन्होंने रिलीज किया था। उन्होंने कहा था कि अगर मेरा खुद अगर सगा भाई भी हो और वो भी ऐसा कृत्य करे तो उसे भी सख्त से सख्त सजा मिले चाहिए। और फिलहाल जो पत्र है वो भी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस पत्र में क्या और तमाम बातें, थोड़ी विस्तृत जानकारी इस पर दीजिए। हाँ बिल्कुल, देखिए जयती, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने जो लेटर लिखा है उसमें उन्होंने सबसे पहले जिक्र किया है
कि जो फोटो रियाज अतारी के साथ उनका दिखाया गया वो एडिटेड है और इस फोटो में सत्यता जो है नजर नहीं आती। ऐसे में किसी एक्सपर्ट से, किसी साइबर एक्सपर्ट से इस फोटो की जांच कराई जाए। और जो साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो एक जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधियों का जनता के बीच में आना जाना रहता है और सोशल मीडिया के इस जमाने में कई लोग जो है फोटो खिंचाते हैं और इस तरीके से जो फोटो जो वायरल हो रहा है वो पूरी तरीके से एडिटेड दिखाई दे रहा है। इस बात को लेकर कटारिया ने अपने पत्र में जिक्र किया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये फोटो जो है जो कि रियाज अतारी के साथ दिखाया जा रहा है ये एक बड़ा दुस्साहस है, जिस भी व्यक्ति ने किया है उसके खिलाफ कार्रवाई हो और जो मूल फोटो है उसको भी पुलिस जो है उस मूल फोटो को भी ले और उसके बाद उसकी छानबीन करे कि किस तरीके से इस पूरे फोटो में एडिटिंग की गई है। और कुल मिलाकर देखी जाए तो सबसे बड़ी बात यही है कि आप देखिए पिछले कुछ दिनों से उदयपुर में नेट बंदी थी, उस नेट बंदी का कारण भी यही था कि जो भ्रामक सूचनाएं हैं, जो गलत सूचनाएं हैं, जो वैमनस्य बढ़ा सकती हैं, जो सांप्रदायिक सौहार्द को खराब कर सकती हैं, इस तरह की सूचनाओं का आदान प्रदान ना हो। सोशल मीडिया का जमाना है, कई तरह की भ्रामक सूचनाओं से कई बार स्थितियां तनावपूर्ण हो जाती हैं, संवेदनशील हो जाती हैं और इसी तरह के फोटोज से राजनीति गर्माती है, राजनीतिक दलों में भी आपसी मनमुटाव जो है वो पैदा होता है। तो इस तरह के फोटोज अगर वायरल होते हैं तो जाहिर सी बात है किसी भी जनप्रतिनिधि की, किसी भी राजनीतिक पार्टी की छवि जो है वो खराब होती है। तो यही वजह है कि उन्होंने इस बात का ही आग्रह किया है कि जिस तरीके से उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है उस बात को लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे। इन्वेस्टिगेशन में अगर कुछ चीजें निकल के आती हैं तो उनसे उन्हें भी अवगत कराया जाए ताकि जनता के सामने सच्चाई आ सके। बिल्कुल, चलिए रवि बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और ये पत्र भी आपको दिखा रहे हैं, पत्र जो कि लिखा गया है नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के और से उदयपुर एसपी के नाम। इस पत्र में उन्होंने इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया है, जो फोटो उन्होंने कहा है कि मॉडिफाइड ये फोटो है और एडिट इसे इस तरह से किया गया जिससे उनकी छवि धूमिल हो जाए, लेकिन इसकी जाँच की मांग अब उन्होंने इस पत्र में की।